नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने का करंट अफेयर सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज हमारे पास जो है वो है लक्ष्य इनिशिएटिव। लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन? फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, लेबर रूम क्या होता है जानते हैं, जब गर्भवती महिलाएं जब जहां पर उनको प्रसव कराया जाता है, जहां पर बच्चे की डिलीवरी होती है, उस रूम को बोलते हैं लेबर रूम। उस लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जिससे क्या हो, जो गर्भवती महिलाएं हों उनको एक प्रॉपर केयर मिल सके और जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से देखभाल हो सके। तो क्या करना है, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको गुणवत्ता परक एक क्वालिटी केयर मिले। ठीक है, कहां पर? प्रसव कक्ष में। उसी प्रसव कक्ष को बोलते हैं लेबर रूम। ठीक है, जिससे क्या हो, बच्चों के जन्म संबंधी जो जो भी रिस्क होने वाले हैं उन रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाएगा? एक तो इम्पोर्टेंट क्या है, मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाएगा? जितने भी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर इस योजना को, इस पहल को ले जाना है। थर्ड नंबर पर प्राइमरी स्तर पे क्या होता है, रेफरल्स यूनिट होते हैं, FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट। जब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, डॉक्टर लिख के दे देता है जहाँ रेफर करता है, तो जिस फर्स्ट रेफरल्स यूनिट जो होती हैं, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर पे होती हैं, वहाँ पर इस लेबर रूम जो होगा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लक्ष्य पहल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सामुदायिक होते हैं, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक केंद्र, जहाँ पे 100 से ज़्यादा बेड होंगे वहाँ पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। या फिर हिली एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे 60 से ज़्यादा बेड वाले जितने भी CHC होंगे वहाँ पर लक्ष्य पहल को इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए मोटा मोटा याद रखिएगा, लक्ष्य पहल क्या है, लक्ष्य पहल जो है लेबर रूम है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक पहल है। और ये इसलिए भी किया जाता है कि मॉर्टेलिटी रेट जो है, बच्चों एवं मातृ जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और स्वस्थ बच्चे पैदा किए जा सके। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी स्कीम जो है, दूसरा न्यूज जो हमारे पास है वो है स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया जो है एक HRD मंत्रालय की पहल है। HRD मतलब मानव संसाधन मंत्रालय जो है। ठीक है, याद रखा, कभी कभी याद ये भी याद कर लीजिए करिए कि HRD मंत्रालय बना कब था। जब भी कोई मंत्रालय की मैं बात करता हूँ तो HRD मंत्रालय का जैसे बोला तो आप जरूर गूगल पर सर्च कीजिए कि HRD मंत्रालय कब बना था। ठीक है, तो स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो HRD मंत्रालय के द्वारा चालू किया जाएगा। ठीक है, और इसमें करना क्या है, HRD मंत्रालय ये चाहता है कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं या विदेशी जो छात्र हैं उनकी संख्या को भारत में बढ़ाना। आपने देखा होगा कि भारत से बड़ी संख्या में लोग अपनी हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, जबकि बाहर के बच्चे भारत में कम आते हैं। तो भारत सरकार ये चाहती है कि विदेशी छात्रों के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है, एक हब के तौर बनाना है, जिससे विदेश के जो छात्र हैं भारत को चूज करें और भारत में पढ़ाई करें। इसके फ़ायदा क्या क्या हो सकता है, एक तो आपको पता होगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से आ जाते हैं, तो इसमें इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको कम करना। और दूसरी बात आपको पता होगी कि होता क्या है कि जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाहर की ओर जाती है, तो अगर बाहर से लोग पढ़ने आएंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे मैंने एक आपको बताया था कि भारत के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना, दूसरा सॉफ्ट पावर को डेवलप करना। आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी डिप्लोमेसी होती है तो इसमें आज के समय में, पहले हम लोग बात करते थे सॉफ्ट पावर हार्ड पावर की, आज के समय बात होती है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में क्या होता है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कॉम्बिनेशन होता है। IR की कभी क्लास लेंगे तो जरूर बताएंगे। तो सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना, सॉफ्ट पावर कैसे होता है, जब कोई बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे तो यहाँ के कल्चर को देखेंगे, यहाँ के खान पान को देखेंगे, यहाँ के वेशभूषा, यहाँ की पॉलिटिक्स को देखेंगे, यहाँ की सोसाइटी को देखेंगे, तो एक अपनापन लगाव जैसा हो जाता है। तब वो छात्र अगर वापस अपने देश जाएंगे या दुनिया में कहीं भी सर्व करेंगे, उनका भारत के प्रति लगाव होगा, उनका एक झुकाव होगा, तो वो क्या होगा, वो भारत के लिए कूटनीति में वो भारत के पक्ष में रहेगा। इसलिए सॉफ्ट पावर को डेवलप करना। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास
क्या है इस स्कीम में, क्या किया जाएगा, जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हुआ करेंगे, जो योग्य छात्र होंगे, उनको फीस में वो कमी करेंगे। इसके अलावा एक कॉल सेंटर बनाएंगे, कॉल सेंटर के माध्यम से क्या करेंगे, जो बच्चों को जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम को जो लागू करने वाली जो मशीनरी है उसका नाम है EDCIL। EDCIL का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक तरीके का PSU है, जैसे IOCL या ONGC है, उसी तरीके का भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, उसका नाम है एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, EDCIL। तो इस स्कीम में जो आपको याद रखने वाली बात है वो दो चीज़ें हैं, एक स्टडी इन इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत है, HRD मंत्रालय के अंतर्गत, इसको कौन इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो है EDCIL। और मोटा मोटा स्कीम किस लिए है, विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए, ताकि भारत एक एजुकेशन का हब बन जाए। और एक बात और बता दूं कि जो भी वैश्विक शिक्षा है, ग्लोबल एजुकेशन, उसमें भारत का जो शेयर है वो 1% से भी कम है। ठीक है, इस स्कीम के माध्यम से भारत सरकार ये चाहती है कि उस वैश्विक ग्लोबल एजुकेशन में भारत का शेयर 1% से जो कम है उसको बढ़ा के लगभग 2% किया जाए। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आज की तीसरी स्कीम पे हम लोग चलते हैं, वो है कोई ट्राइब के बारे में, कोई जनजाति। ठीक है, कोई जनजाति ये उड़ीसा की जनजाति है, इस कोई जनजाति को कौंध भी बोलते हैं। ठीक है, कौंध में, कौंध का तेलुगु का मतलब होता है, कौंध का मतलब, कू का मतलब होता है पर्वतारोही। कौंध का अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है माउंटेनियर, मीन्स पर्वतारोही, ऐसी जनजाति जो पहाड़ों पर निवास करती है, उनको चढ़ती है। ठीक है, मूल रूप से द्रविड़ जनजाति है, आपको पता है साउथ इंडिया की जनजाति है, तो द्रविड़ जनजाति है। ठीक है, और ये है हंटर गैदरर्स, मीन्स शिकार करती है, उसका भंडारण करती है और उसी के दम रहती है, मतलब और इसकी अर्थव्यवस्था की और क्षेत्रों में इनका कोई योगदान नहीं है, मतलब उनमें ये लोग अभी तक नहीं आए हैं। हंटर गैदरर्स से शिकार करेगी, उससे अपना जीवन यापन करेगी। मुख्य रूप से जनजाति तीन तरीके की होती है, देसी कौन, डोंगरिया कौन, कुटिया कौन। डोंगरिया कौन के बारे में UPSC ने पूछ लिया था कि ये किस स्टेट से ताल्लुक रखती है, तो याद रखिएगा कोई ट्राइबल्स या कौन जनजाति जो है उड़ीसा से रखती है। इससे पिछले वाले जून के महीने मैंने आपको एक जनजाति के बारे में बताया था, अबूझ मारियास, आप लोगों को याद है क्या? जितनी जनजाति बता रहे हैं उसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि UPSC मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकती है कि किस, कौन सी जनजाति किस स्टेट से ताल्लुक रखती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये पता होगा, कोई ट्राइबल्स उड़ीसा, कोई को ही कौंद बोलते हैं, द्रविण जनजाति हंटर गैदरर्स है, और कौंद को पर्वतारोही भी कहते हैं, मीन्स उसका मतलब यही होता है। चौथी हमारे पास न्यूज है वो है पॉक्सो अधिनियम 2012। पॉक्सो अधिनियम 2012, इसमें क्या हुआ, सरकार ने पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन किया है, और संशोधन करके क्या किया है, उसने संशोधन करके ये बोला है कि अगर बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं तो जो न्यायपालिका है, मतलब कानून में संशोधन कर दिया गया है कि मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। पहले क्या होता था, उम्र कैद की सजा हुआ करती थी, अब उसको और स्ट्रिंजेंट, कठोर बना के मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया है। फॉर किसके लिए, फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन, अगर बच्चों के खिलाफ कोई भी असॉल्ट होता है। ठीक है, और क्या किया गया, साथ साथ जो ही पोर्नोग्राफी, बच्चों के चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। पोर्नोग्राफी का इस एक्ट में जो लिखा है वो ये है, पोर्नोग्राफी अगर पाई जाती है तो अर्थदंड, फाइन लगेगा, प्लस जेल होगी। साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय, जैसे कहीं नेचुरल कैलेमिटी आई, उस समय अगर बच्चों के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस या बच्चों के साथ कोई भी एब्यूज होती है तो उसको भी इस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। मीन्स अगर प्राकृतिक आपदाओं के समय अगर किसी बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती होती है तो भी वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगी और उसी एक्ट के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये UPSC आपसे पूछ सकती है कि पॉक्सो एक्ट के तहत कोई भी बच्चा किसको बोला जाएगा, तो कोई भी बच्चा जो जिसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से कम है, 18 या 18 वर्ष से कम होगी, वो एक चाइल्ड के रूप में माना जाएगा। अगर उसके खिलाफ अगर कोई भी एब्यूज होता है, सेक्सुअल एब्यूज होता है, तो जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद एक है कि पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, चाइल्ड का मतलब बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
इसके अलावा इस पॉक्सो एक्ट के साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने एक और स्कीम चलाई है, वन सखी सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, ओएससी स्कीम जो चलाई गई है, ये जो चलाई गई है इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खोलने की बात कही गई है। आपको पता होगा कि जिन महिलाएं जो होती हैं घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार की हिंसा से जो पीड़ित होती हैं, उनके लिए एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान कर देना, जैसे उनको मेंटल काउंसलिंग देना, विधिक सहायता देना, उनको आश्रय देना, इस तरीके की सारी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, वन स्टॉप सेंटर। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब हर जिले में एक वन स्टॉप सेंटर खोले जाएगा और उस वन स्टॉप सेंटर में कम से कम 5 बेड होने चाहिए, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है। उस वन स्टॉप सेंटर में 5 बेड होना चाहिए। कोई भी महिला या कोई भी बालिका, ठीक है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, उसको सारी प्रकार की सुविधाएं वन स्टॉप सेंटर में दी जाएंगी। और ये एक प्रयास है ताकि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उनमें रुकावट रोक हो, इन महिलाओं को विधिक काउंसलिंग या मेंटल काउंसलिंग फ्री में होगी, उनको वहाँ पर रहने की सुविधा दी जाएगी, सो दैट कि वो अपनी ज़िंदगी में न्याय पा सकें और अपनी ज़िंदगी को फिर से सही से शुरुआत कर सकें। इसके बारे में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, वन स्टॉप सेंटर जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसकी स्कीम है। आप इसको याद करिएगा, इम्पोर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जो भी महिलाएं होंगी, ठीक है, जो भी बच्चियां होंगी, उनको पॉक्सो एक्ट के तहत ही क्या बोलते हैं, न्याय मिलेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, उन सारे अधिनियमों के बारे में उन महिलाओं को जानकारी देना या उनके उनको सहायता करना, कुल मिला के वन स्टॉप सेंटर का यही उद्देश्य है, जिससे महिलाओं को एक छत के नीचे ही सारी सुविधाएं मिल जाएं। इसके अलावा जो अगली न्यूज है वो है परामर्श। परामर्श न्यूज क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मीन्स HRD मंत्रालय द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत क्या किया गया, ऐसे संस्थान जिनको NAC की मान्यता चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए उनका समय समय पर NAC जो है उनका मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो चाहते हैं कि उनको NAC के द्वारा मान्यता मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए कि उनकी क्वालिटी कैसी है, तो ऐसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को इन्हेंस करने के लिए HRD मंत्रालय ने एक परामर्श स्कीम चलाई है। परामर्श स्कीम में क्या होगा, परामर्श स्कीम में HRD मंत्रालय जो इंस्टीट्यूट NAC द्वारा मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं या NAC की एक्रेडिशन लेना चाहते हैं, प्रत्यायन करना चाहते हैं, ऐसे संस्थानों की मदद करेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा में जो भी गुणवत्ता होगी उसको प्रमोट करेगा। ये क्या करेगा, ये जो हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा, ठीक है। अब हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है समझ लेते हैं। हब मतलब होता है धुरी, जैसे पहिए की एक धुरी होती है, ये एक धुरी है और उसकी ये तीलियां होती हैं, स्पोक मॉडल। तो क्या करेगा इसका, ये एक काम है, ये जो ये इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये चाहता है कि हम एक ऐसे हब तैयार कर दें, ठीक है, जो एक मेंटर की भूमिका में हो, ठीक है, जो इनको परामर्श दे सकते हैं। ये है इंस्टीट्यूट जो NAC द्वारा मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। अब इन इंस्टीट्यूट को NAC से मान्यता प्राप्त करनी है तो ये जो हब होगा ये चैनल के माध्यम से इसकी सहायता करेगा, ठीक है। डायरेक्ट इनको समस्या हो रही थी तो UGC के द्वारा इस परामर्श स्कीम को क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, UGC के द्वारा किया जाएगा। और UGC क्या करेगा, ऐसे 1000 मेंटर बना देगा पूरे देश में, 1000 उच्च शिक्षण संस्थान बना देगा जो क्या करेंगे, अन्य संस्थानों की सहायता करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 1000 स्पोक वो हब बनाने हैं, ठीक है, 1000 बना देगा। और जो बाकी छोटे छोटे संस्थान होते हैं उच्च शिक्षण संस्थान जिनको NAC के द्वारा मान्यता चाहिए होगी या फिर उनका मूल्यांकन करना होगा, तो वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से इन सब की सहायता करेंगे। इसी चीज़ को परामर्श बोलते हैं, मीन्स ये परामर्श लेंगे किससे, इस हब से, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो याद कर लीजिएगा परामर्श है क्या। अब बात आती है NAC की, तो जरा NAC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। NAC क्या है, UPSC से पूछ सकती है, नेशनल एक्रीडेशन नेशनल असेसमेंट
एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है, मींस राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, प्रत्यायन परिषद, ठीक है, प्रत्यायन का मतलब मान्यता देना भी हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, नेक की टीम क्या होता है, हर स्कूल या कॉलेज में, कभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ क्या होता है, नेक की टीम पहुँचती है, वो दो तीन दिन तक वहाँ का मूल्यांकन करती है, ठीक है, उसके हिसाब से नेक का सर्टिफिकेट देती है कि नेक की क्या है, ए प्लस ग्रेड है, किस ग्रेड का है। तो नेक का काम ये है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे उनकी क्वालिटी का असेसमेंट करना। ये संस्था 1994 में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, स्वायत्त संस्था है जो क्या करती है, हायर इंस्टीट्यूट में उसको असेसमेंट करती है और एक्रीडेशन करती है, प्रत्यायन करती है, स्वायत्त संस्था है। और इस संस्था की फंडिंग कहाँ से आती है, यूजीसी के द्वारा आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत, वो किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत। इतना इंपॉर्टेंट है, ये स्वायत्त संस्था है, 1994 में स्थापना हुई थी। इस संस्था की फंडिंग कौन देता है, यूजीसी देती है, यूजीसी किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत आता है। पिछली बार हमने आपको एक स्कीम बताई थी, उसमें यूजीसी के बारे में डिटेल से बताया था कि यूजीसी की स्थापना कब और कैसे किस अधिनियम के तहत हुई थी, आपको याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे, वो है इक्विप स्कीम। इक्विप स्कीम क्या है, इक्विप स्कीम जो है वो भी एचआरडी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो हम लोग बात करते हैं इक्विप। इक्विप, इक्विप का मतलब है एजुकेशन क्यू का मतलब क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता उसको अपडेट करना एंड इंक्लूजन समावेशी बनाना, ठीक है, ये है। इसको लागू कौन करेगा, एचआरडी मंत्रालय, ठीक है। अब है क्या, एचआरडी मंत्रालय के अंतर्गत एक उच्च शिक्षा विभाग आता है, पूरा अगर एचआरडी मंत्रालय को देखेंगे तो उसके अंदर ढेर सारे विभाग आते हैं, तो जो उच्च शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो इस स्कीम को लागू करेगा, ठीक है, इक्विप। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो मैं आपको बता दूं, जो मेन उद्देश्य आप समझ लीजिए, इसने क्या किया है, एचआरडी मंत्रालय के अंदर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने एक 5 साल का विजन निकाला है, क्या किया है, 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, मतलब विजन किया है कि 5 साल में इक्विप स्कीम के अंतर्गत, इक्विप स्कीम के माध्यम से उनको कुछ जो एम्स हैं उनको पाना है। पहला एम क्या है इस स्कीम के माध्यम से, पहला है जो GER है इसको दोगुना करना है। अब मैं बताता हूँ GER क्या है, GER का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, क्या, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मींस सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, इसको इनको दोगुना करना है, मींस हायर एजुकेशन में जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर नामांकन को जो है वो दोगुना करना है। मान लीजिए अगर अभी 12वीं करके अगर 100 बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इनको डबल करना है। आपको पता होगा कि ड्रॉप आउट रेट जो है भारत में बहुत ज़्यादा है हायर एजुकेशन के लिए, लोग 12वीं तक तो कर लेते हैं लेकिन मुश्किल से 40% बच्चे ही हायर एजुकेशन में जाते हैं, ये डाटा आप जरूर एक बार देख लीजिएगा एग्जैक्ट डाटा क्या है, लेकिन GER जो है सकल नामांकन अनुपात हायर एजुकेशन में उसको दोगुना करना है। दूसरा जो है इनका ये उद्देश्य है कि भारत के कम 50 यूनिवर्सिटी या 50 इंस्टीट्यूट हायर इंस्टीट्यूट जो होंगे उनको टॉप 1000 इंस्टीट्यूट की रैंक में लाना है। मींस जब भी कभी 1000 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आए तो उसमें कम से कम 50 भारतीय संस्थान होने चाहिए। अभी तो आपने सुना होगा 2 या 3 या 4 होते हैं, तो अब इनका टारगेट ये है कि 50 संस्थान जो हैं टॉप 1000 में काउंट किए जाएं, ठीक है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ की गुणवत्ता को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, जो
एजुकेशन की गुणवत्ता है उसको इनको इम्प्रूव करना है और उनको एक्रीडेशन करना है, प्रत्यायन करना है कि इस शिक्षण संस्थान में कितनी एजुकेशन की गुणवत्ता है। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन, शोध एवं नवाचार का माहौल बनाना है, ठीक है, शोध एंड नवाचार का माहौल बनाना है और एक ऐसा माहौल तैयार करना है जो विश्व के टॉप 3 देशों में गिना जा सके, ठीक है। ये चाहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन का एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे भारत जो है टॉप के 3 देशों में गिना जा सके। इसके अलावा एक इनका और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति जो भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकल रहा है उसकी इम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको दोगुनी कर देनी है। आपको पता होगा भारत की एक बड़ी समस्या ये है कि भारत के इंस्टीट्यूट से जो लोग पढ़ के जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उनको इंडस्ट्री रोजगार देने के लिए समर्थ नहीं है। वो उसको ये लगता है कि इसके पास पर्याप्त इतनी स्किल नहीं है कि इसको रोजगार दिया जा सके। एक तरफ ये समस्या है कि बेरोजगारी की, दूसरी तरफ ये भी समस्या है कि जो हमारे युवा निकल रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र से पढ़ाई डिग्री लेने के बाद, उनके पास उतनी स्किल ही नहीं है कि उनको रोजगार दिया जा सके। तो ये स्कीम के माध्यम से 5 साल के विजन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको दोगुना करना है, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार देने लायक बने। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती है कि हम ऐसे बच्चे को रिक्रूट हायर कर लें जिसको कुछ आता ही नहीं हो, जिसके पास स्किल ही ना हो। फिर क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के ऊपर बोझ पड़ता है कि उसको फिर से ट्रेनिंग दो और उसको स्किल दो, तो इंडस्ट्री अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहती है, ठीक है। इसके अलावा भारत को शिक्षा के हब के रूप में एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना, इससे पहले मैंने आपको जो बताया था स्टडी इन इंडिया उसका भी यही उद्देश्य था। इसका भी एक उद्देश्य है कि विदेशी छात्रों को भारत में आकर्षित करना, जिससे क्या होगा एक फेयर कंपटीशन होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा ऐसा उद्देश्य है कि हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ये सब छोटे छोटे उद्देश्य हैं, इनका कोई इतना मोल नहीं है, इतना नहीं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो हम आज जान लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है लेकिन फिर भी यहाँ कर लेते हैं, MPI, ये इम्पोर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मींस बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब सूचकांक है तो सबसे पहले याद रखने वाली चीज़ है कि इसको जारी किसने किया है, ठीक है, इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ UNDP के बारे में, ठीक है, प्लस OPHI द्वारा। OPHI का जो फुल फॉर्म है वो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, UNDP और OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है MPI के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि किसी भी देश में कितनी गरीबी है, कितने लोग गरीब हैं और उस गरीबी की डेफिनेशन क्या है। गरीबी की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि किसी के पास कम पैसे हैं। गरीबी की डेफिनेशन के लिए इन्होंने 10 पैरामीटर 10 मानकों को जोड़ा है और उसके हिसाब से एक इंडेक्स तैयार की है और तब ये बताते हैं कि ये अगर ये सुविधा इनके पास नहीं है तब वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। सिर्फ किसी के पास पैसे कम हैं तो वो गरीब नहीं माना जा सकता है। तो उस इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं कि 10 आयाम क्या क्या हैं, इंडेक्स में कौन कौन से 10 फैक्टर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ लेती है कौन कौन से फैक्टर हैं। तो 10 जो इंडेक्स के फैक्टर हैं उनको जो है 3 मुख्य पैरामीटर से जोड़ा जाता है। वो कौन कौन से हैं, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड मींस लिविंग स्टैंडर्ड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स को हिंदी में बोलेंगे जो दैनिक जीवन यापन के मानक जो होंगे उनके बारे में, ठीक है। अब स्वास्थ्य शिक्षा
लिविंग। आप याद कैसे करेंगे, स्वास्थ्य जो होता है हेल्थ है, एजुकेशन जो ई है, ये लिविंग स्टैंडर्ड एल है। तो जो हेल में रहते हैं वो एमपीआई की तरह, अगर जो भी हेल के पैरामीटर्स के से बाहर निकल गए वो गरीबी से बाहर हैं, जो हेल के पैरामीटर के अंदर फंसे रह गए वो गरीबी के अंदर हैं। अब स्वास्थ्य में क्या देखते हैं, स्वास्थ्य का जो पैरामीटर हमारे पास है कि पहला है पोषक, किसी व्यक्ति को पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, पोषक या पोषण बोल दीजिए, ठीक है, पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। दूसरा होता है जो भी चाइल्ड एंड मदर मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में, मीन्स बाल मृत्यु दर, कितने बच्चे जो हैं वो जिनकी मृत्यु दर, जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जन्म लेते ही बाल मृत्यु दर जो है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में इकोनॉमिक्स में ही आएगा, इतना मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षा में क्या देखते हैं, शिक्षा में देखते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल उसने स्कूल गया है, ठीक है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल उसने स्कूलिंग की है। दूसरा देखते हैं स्कूल अटेंडेंस, मीन्स स्कूल की उपस्थिति, स्कूल में कितने दिनों तक कोई व्यक्ति जो है उपस्थित रहा है। मान लो कोई 28 साल का है तो उससे पूछा जाएगा कि आपने कितने साल उपस्थिति स्कूल में बिताई है, ठीक है, आप इतने साल रहे, कितने साल रहे, ठीक है, और कितने साल वो स्कूलिंग में करता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड में ढेर सारे हैं, चार पैरामीटर हो गए, छः और बचे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, खाना बनाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है वो किस तरीके का है, ठीक है, क्या अभी वो मिट्टी के तेल पे चलता है या लकड़ी पे चलता है या कुकिंग गैस है कि नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास है वो है स्वच्छता, सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है पेयजल, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है या नहीं है। इसके अलावा जिस घर में वो रह रहा है उसका फ्लोर कैसा है, कहीं कच्चा है, पक्का है, मार्बल है, क्या है, तो क्या है फ्लोर ऑफ द हाउस, घर का फर्श कैसा है। इसके अलावा बिजली की उपलब्धता है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा एक चीज़ संपत्ति, क्या उसका संपत्ति, संपत्ति एक छोटा सा फैक्टर रखा गया है, कुल मिला के 10 हैं। लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें क्या क्या है, कुकिंग फ्यूल, स्वच्छता, पेयजल, फर्श, बिजली और पर्यावरण संपत्ति, उसके बाद बिजली की पहुंच है या नहीं है, इन 10 फैक्टर के आधार पर एक एमपीआई इंडेक्स तैयार की जाती है, ठीक है। जो इंडेक्स होती है इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट बता दूं आपको, ये एमपीआई इंडेक्स जितनी कम होगी उतना अच्छा है, ठीक है, अगर 0 होगी तो सबसे अच्छा है, तो 0 से 1 के बीच में इसका पैरामीटर होता है। तो इस समय जो भारत की स्थिति है वो ये है 0.123, ठीक है, एमपीआई का, ठीक है, 0.123, 2005 में था 0.283, वो घट के 0.123 हो गया जो डेटा। और एमपीआई के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 10 पैरामीटर में कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर 10 पैरामीटर एक भी व्यक्ति अगर 10 पैरामीटर में एक तिहाई से भी कम है, 1/3 से भी कम है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा। मीन्स ये इसमें इतने लोग आते हैं जिनके पास 10 पैरामीटर में 1/3 से भी कम है, समझ गए, 10 पैरामीटर का पूरा जो वेटेड एवरेज होगा उसमें अगर 1/3 से भी कम उसके पास सुविधाएं हैं तब वो गरीब माना जाएगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भारत ने 2015-16 के बीच में 10 सालों में 2005-06 में करीब 69 करोड़ लोग गरीबी में थे, अब जो घटके जो संख्या बच गई है वो है हमारे पास करीब 36.9 करोड़, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा तरक्की की। और साथ साथ ये बोलता है झारखंड राज्य ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, झारखंड में लगभग 74% लोग गरीब थे, अब वो घट के 46% हो गए हैं, अब तो 2020 चल रहा है तो ये डाटा और भी कम हुआ होगा। तो होपफुली आपका एमपीआई समझ में आया होगा। एमपीआई के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन जारी करता है, वो है UNDP प्लस OPHI। कौन से 10 पैरामीटर हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। हेल्थ में क्या क्या आता है, पोषण, बाल मृत्यु दर, शिक्षा में क्या आती है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और ये हमारे पास 6 पैरामीटर जो हैं ये आते हैं। 10 पैरामीटर आप 10 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और एमपीआई जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। एक हमारे पास न्यूज है वो है दीक्षा आरंभ, सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है। दीक्षा आरंभ जो है
एचआरडी मंत्रालय के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, जिसमें यूजीसी ने क्या किया, एक गाइडलाइन जारी की है और एक प्रोग्राम बनाया है दीक्षारंभ नाम से, ठीक है, ऐसी हल्का सा देख लीजिए दीक्षा आरंभ, नाम से आपको पता चल रहा होगा भारतीय संस्कृत में क्या होता है, जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है उसको दीक्षा दी जाती है। तो होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के बारे में जानकारी देना, वहाँ पे शिक्षक और बच्चों से मेल मिलाप के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करना, तो वो क्या है, एक इंडक्शन प्रोग्राम टाइप का है, उसका नाम दीक्षा आरंभ रखा गया है। सिंपल सा है, कोई भी इंडक्शन प्रोग्राम जो होगा उसका नाम दीक्षा आरंभ है। किसने शुरू किया है, एचआरडी मंत्रालय ने, ठीक है, और कौन कर रहा है, यूजीसी, यूजीसी के द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया गया, उसका नाम दीक्षा आरंभ है। इससे तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, वही है कि नए बच्चे आएंगे उनको कैसे नए माहौल में एडजस्ट किया जाए, उनको क्या क्या करिकुलम पढ़ाया जाए, उनको शिक्षक जो है उनसे कैसे इंटरेक्शन करना है, पुराने बच्चे होंगे उनसे कैसे इंटरेक्शन करना है, सो दैट कि बच्चों को नया नया अजीब सा ना लगे, इसकी वजह से दीक्षा आरंभ एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अलावा जो हमारे पास एक अंतिम न्यूज है वो ये है, वो एक छोटा सा और देख लेते हैं, ऑपरेशन मिलाप, पूछ सकती है ऑपरेशन मिलाप क्या है, ऑपरेशन मिलाप सिंपल सा ऐसा देख लेते हैं, जो न्यू दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का ये प्रोग्राम है, और इसमें क्या किया गया है, जो भी बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है उन बच्चों को रेस्क्यू कराया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्राम काफ़ी पुराना है 2014-15 का, उनको रेस्क्यू करा के उनको अपने घरवालों से मिलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन मिलाप रखा गया। तो दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन है, हालांकि पूछने के इसके चांस कम है, लेकिन मैच ऑफ द फॉलोइंग में कहीं पूछ सकते हैं, 2014 में ये लॉन्च हुआ था। इसमें क्या किया जाता है, जो बच्चे भी जो कहीं से उठा के कहीं और बेच दिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, कहीं बाजार में बेच दिया गया उनको, तो उनको क्या करिए, पुलिस मुक्त कराती है, उनको मेडिकल काउंसिल देती है, मेंटल काउंसिलिंग देती है, और उनको अपने घरवालों से मिलाती है, तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिलाप है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास अगली न्यूज है वो है, हमारे पास भारत में सुसाइड की जो मृत्यु दर है, सुसाइड्स इन इंडिया, जो हमारे पास अगली न्यूज है वो है सुसाइड इन इंडिया, ठीक है, सुसाइड इन इंडिया, भारत में आत्महत्या, ठीक है। तो हुआ क्या है, एक रिपोर्ट आई है किसकी, एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, और इसने कहा है कि भारत में प्रति लाख लगभग 13 लाख लोग, ठीक है, 13 लाख लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, लगभग 13 लाख, ये एक बड़ी मात्रा है, 13 लाख लोग, ठीक है, 13 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, 2015 का ये डेटा है, ठीक है। अब इसके अलावा इसने बताया है जो कि जो 15 से 29 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं। एनसीआरबी का डेटा जो है 13 लाख लोगों की मृत्यु का है, आपको पता होगा एनसीआरबी जो अथॉरिटी है वो क्राइम से रिलेटेड जितने भी डेटा होता है उनका संपादन करती है और उनको पब्लिश करती है। तो 13,36,000 लोग, एग्जैक्ट फिगर अगर आपको बताऊं, 13,36,000 लोग जो है 2015 में सुसाइड किए हैं, ठीक है। इसके अलावा WHO का कहना है कि भारत जो है सुसाइड के लिए एक प्रोन, मतलब कि सुसाइड के लिए एक बढ़ता, सुसाइड की दर जो है भारत में लगभग बढ़ती जा रही है, ठीक है, और उसमें जो है 15 से 29 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं और इन पर सबसे ज़्यादा खतरा भी है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 15.7 आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख लोगों में 15.7 जो लोग होंगे वो आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि वैश्विक जो दर है वो करीब है 10.7 की। वैश्विक स्तर पे क्या है, 1 लाख लोगों में 10.7 की दर से लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन भारत में इधर की इतनी है 15.7। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि भारत जो भी मेल सुसाइड की जो रेट है वो फीमेल से ज़्यादा है, मीन्स पुरुष जो है ज़्यादा आत्महत्या करते हैं महिलाओं के कंपेयर में, ठीक है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नंबर वन टॉप पे है आत्महत्या के मामले में, देन तमिलनाडु, फिर वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में करीब 16,000 केस बने, ठीक है, और
तमिलनाडु में 15,700 केस बने, वेस्ट बंगाल में 14,000 केस बने। आपको डेटा नहीं याद रखना है, लेकिन याद रखना है कि सदन दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं आत्महत्या के मामले में, ठीक है। इसके अलावा एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बना था, आपको बता दूं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इस एक्ट के माध्यम से जो सुसाइड करना था वो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। मींस पहले सुसाइड करना, आत्महत्या करना एक अपराध हुआ करता था, अब सुसाइड करना एक अपराध नहीं है। और साथ ही साथ इस एक्ट में लिखा है जो सुसाइड करेंगे उनको मेंटल काउंसलिंग जो है भारत सरकार देगी, ठीक है। होपफुली इससे ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है, बस NCERB ने क्या डेटा दिया है मैंने आपको सिर्फ बता दिया, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक है। होपफुली आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और सोसाइटी का मैं कुछ पार्ट रह गया है वो आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जुलाई महीने का सोसाइटी का लगभग लगभग करंट अफेयर रिवाइज हो चुका है, ऐसे ही आप देखते रहिए। थैंक यू।